अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, आज हम बात करेंगे कि हम ज़्यादा मुनाफे में अपने पैरट्स को कैसे सेल कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। अगर हमारे चिक्स निकले हों या फिर हम अपना पेयर चेंज कर रहे हैं तो पहले वाला सेल करना है, तो वो ज़्यादा पैसों में कहाँ सेल करें। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। आज इसी टॉपिक पे वीडियो होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करता हूं कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचती रहें सबसे पहले। तो चलें वीडियो जी करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, बेसिकली सबको पता है, जैसे कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपना टाइम देते हैं अपने बर्ड्स को, और फिर उनको फ्रूट्स देते हैं, दाना देते हैं, हर चीज़, और सबसे ज़्यादा सब्र रखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बहुत मुश्किलों के साथ ब्रीड आती है, या कुछ लोगों के पास आसानी से ही आ जाती है। तो ब्रीड आ जाती है तो जब हम सेल करने जाते हैं या सेल करते हैं हम शॉप्स पे, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सिटी में आप रह रहे होते हैं, जैसे कि मैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक ही शॉप होती है, और इस पर अगर सेल करने जाएं तो लोग, वो जो शॉप कीपर होते हैं, वो अपने मुताबिक, मतलब अपने लिहाज से वो पैसे लगाते हैं बर्ड्स के, तो जितने में वो कहते हैं फिर मजबूरन वो दे के आना पड़ता है। कभी कभी पैसों की ज़रूरत होती है, और कभी कभी वैसे ही बंदा सेल कर आता है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा कि आप किस जगह पे बेच सकते हैं अपने बर्ड्स ताकि आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा मिल सके, ठीक है, और आपका जो भी आपने मेहनत की हो वो भी आपके पूरी हो सके, वो पल्ले पड़ सके, इस तरह से कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि अगर तो आप कुछ ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे शॉप एक आधी है, ठीक है, तो आप अपना पेयर जो भी है, अडल्ट है, चिक है, हर चीज़ जो भी है, अगर आपने वो सेल करना है तो सबसे पहले आपको मशवरा दूंगा कि अपने आसपास देखें, ठीक है। कुछ आपके मोहल्ले में होंगे, कुछ आपसे दूर होंगे, ऐसे लोग होते हैं जिनको बर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। अब देखें कि हम शॉप वालों को हाफ कीमत में दे के आते हैं बर्ड, और जब वहाँ से लेने जाते हैं तो वो हमें डबल प्राइस में देते हैं। तो आपने ऐसी कोशिश करनी है कि आसपास आपने जब किसी को सेल करने की कोशिश करनी है तो आपने उसको जो आप देते हैं शॉप पे दे के आते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, और जो वो शॉप से ले के आते हैं उससे थोड़ी कम कीमत में सेल करें, ताकि आपके भी पैसे पूरे हो जाएं और वो बंदा भी आपसे खुशी खुशी वो चीज़ खरीद सके, और उसको ऐसा नहीं लगे कि यार इसने मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं या ये वो, ताकि वो फ्यूचर में भी आपसे ले सके और भी बर्ड्स वगैरह। तो एक ये हो गया, ठीक है, ऐसे आपका एक ग्राहक बन जाएगा, ग्राहक सेल आपकी फिर हो जाया करेगी, आपका बर्ड जब भी कोई निकला करेगा तो आपका सेल भी करवा दिया करेंगे ऐसे लोग। अब दूसरी बात की जाए दूसरे प्लेटफॉर्म की, वो है कि आप आजकल इंटरनेट जदीद हो गया, और आप अगर फ़र्ज करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है कि आप अपने बर्ड्स को जल्दी सेल कर सकें, तो इंटरनेट आपका इसमें सबसे ज़्यादा मददगार है। वो ऐसे कि आप फेसबुक पे, आजकल फेसबुक हर कोई यूज़ करता है, मैं कोई नहीं होगा जो नहीं यूज़ करता होगा, कोई होगा जो नहीं यूज़ करता। तो आपने ऐसे में क्या करना है, आपके जो भी बर्ड्स हैं या जो भी है, तो आपने बेसिकली काफ़ी सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है जिस इलाके में आप रहते हैं उसके। जैसे मैं आरिफ वाला में रहता हूँ तो यहाँ के 3 से 4 ग्रुप्स बने हुए हैं बर्ड्स के। ऐसे अगर आप कराची से हैं तो कराची के बने होंगे और काफ़ी बड़े बने हुए हैं, और लाहौर से हैं तो लाहौर से भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे ग्रुप्स। अब आपने करना क्या, आपने जो सेल करना है आपका बर्ड, आपने जो सेल करना है आपने वो पेयर की अच्छी अच्छी पिक्स लेनी है, ठीक है। अगर वो ब्रीडर है तो आपने उसकी डिटेल्स, जब पोस्ट आपने करनी है ग्रुप के अंदर, आपने ग्रुप के अंदर पोस्ट इस तरह से करनी है कि आपने सारी डिटेल्स लिख देनी है, इसने ब्रीड की है, नहीं की है, ठीक है, इसके इतने चिक्स थे पहले, ये वो, तो ये पेयर आपको इतने में मिलेगा। आपने थोड़ा सा अजाफी पैसे, आपने थोड़े से अजाफी पैसे बताने हैं पहले ग्रुप के ऊपर, ताकि जब आप सेल करें
जब कोई बंदा आपसे कॉन्टेक्ट करे तो वो थोड़ा, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो लाइक काम नहीं करवाता, हर कोई काम करवा लेता है। तो आपने ऐसा करना है कि जब कोई बंदा बोले कि हाँ जी काम करें, आपने अपने लिहाज से रखनी है कीमत कि हाँ मैंने इतने में सेल करना है। तो ऐसे में क्या होगा, जब वो बंदा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपको कहेगा यार थोड़े पैसे छोड़ो ये वो, तो आप उतने छोड़िएगा जितना आपको, जिसमें मुनाफा भी हो और आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा, आजकल OLX पे भी है जी, OLX पे भी आप बेच सकते हैं हर चीज़, लाइक एड लगा सकते हैं, जैसे हर चीज़ की केजेस भी बेच सकते हैं, अपना ब्रीडिंग बॉक्स भी, अपने मटकियाँ भी, जो चीज़ मर्जी आप OLX पे भी बेच सकते हैं। तो OLX पे भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो आपको कीमत ज़्यादा मिल जाती है आपके बर्ड की, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप कार्गो वगैरह करवाते हैं तो कार्गो के आप पहले ही बता दिया करेंगे, कार्गो के चार्जेस जो आपको देगा वो आपने ही मतलब देने हैं। ऐसे में आपके कार्गो के भी पैसे बच जाएंगे, या डिलीवरी करनी होगी तो वो भी बच जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब इस तरह से सेल करने में, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे होते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, और ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तीसरा ये है कि आप आगे से भी इस तरह की लाइक चीज़ें और भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि आपको पता है हर कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस अल्लाह माफ़ करे, तो हर जगह बंद पड़ी हैं चीज़ें, लॉकडाउन हुए हुए हैं, ठीक है, शहर बंद है सारे, कोई कोई चीज़ है जो चल रही है, सिर्फ सेपरेटली जो मतलब जो अकेले अकेले हैं, यार लफ्ज़ कभी कभी भूल जाता है, सेपरेट लाइक कोई कोई फिर रहे होते हैं, तो एक बंदा ही जा सकता है बाइक पे, दो पे अभी बंद है, ज़्यादातर एक पे भी पाबंदी है। तो अगर आप ऐसे में चाहते हैं कि आपके बर्ड वगैरह सेल हों इस कोरोना टाइम्स में, तो आप अच्छे से अच्छा अपने लाइक बर्ड जो भी है उसको उसकी पिक्स वगैरह लें और सेल एड लगा दें अपनी फेसबुक पे, OLX पे, जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे, तो जिस जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा आपकी चीज़ ख़रीदने में, लाइक जो भी है आपने बर्ड वगैरह जो लगाया होगा, तो वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे ख़रीद लेगा। दोस्तों, आप हमेशा अपना, अगर आप इंटरनेट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, एड्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपना अच्छे से अच्छा व्यवहार रखें, मतलब ताकि आपसे आगे भी लोग ख़रीद सकें और चीज़ें। ये नहीं कि आप कहते हैं लोग कहेंगे यार ये फ्रॉड करता है ये वो, नहीं। ऐसे में क्या होता है कि बंदे की लाइक ख़त्म हो जाती है, लोग चीज़ें नहीं खरीदना स्टार्ट करते। तो दोस्तों, ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के अंदर अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, लाइक अपने बर्ड्स वगैरह, खासकर जो एक्सपेंसिव हैं या बजरी हैं, जो सस्ते हैं, ये वो इस तरह के। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर फर्स्ट टाइम है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड साथ दबा दें बेल आइकन को भी। और हाँ, एक और भाई हैं, ठीक है, वो भी अगर आपको बर्ड्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उनके चैनल का लिंक आपके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपने चेक करना हो तो वहाँ पे चेक करके आप उनसे भी लाइक मदद वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह की न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लें, फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर कभी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।